दोस्तों देखते हैं आप कितने बुद्धिमान हैं। पानी में पैदा होता, पानी में मर जाता है, भोजन के संग रहता मेरा सदा ही गहरा नाता है। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जवाब है नमक। जी हाँ, नमक। नमक पानी में ही पैदा होता है, मतलब समुद्र में, और पानी में ही मर जाता है, पानी में ही घुल जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बहुत ख़राब माना जाता है पर फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका जवाब है गुस्सा। गुस्सा बहुत ही ख़राब है और लोग इसे पीने की सलाह देते हैं। दोस्तों गुस्सा वाकई में हमारे दिमाग के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें गुस्सा जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, हमें गुस्से को काबू में रखना ऐसी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम दिन में कई बार उठाते हैं और कई बार रखते हैं? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जवाब है आपके कदम। आपके कदम आप दिन में कई बार उठाते हैं और कई बार रखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी पहेली है जिसे लोग अक्सर पूछा करते हैं। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, पर ऐसा कौन है जो दोनों ही देता है? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका जवाब है दुकानदार। दोस्तों ये पहेली कुछ खास तो नहीं थी क्योंकि ये पहेली बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत सारे लोगों से आपने सुनी भी होगी, तो फिर भी चलिए कोई बात। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका ना तो किसी से झगड़ा है और ना ही किसी से लड़ाई है, पर फिर भी लोग उसे बहुत पीटते हैं और लोगों को उसे पीटने में बहुत मज़ा आता है? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। ऐसी कौन सी चीज़ है? दोस्तों इसका जवाब है ढोल। ढोल का ना तो किसी से झगड़ा है और ना ही किसी से लड़ाई है, फिर भी लोग ढोल को बहुत पीटते हैं, मतलब उसे बजाते हैं, और लोगों को बहुत मज़ा आता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे को जवान और जवान को बुढ़ा बना देती है? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जवाब है उम्र। उम्र बच्चे को जवान और जवान को बुढ़ा बना देती है। चिंकी के पिता के 5 बच्चे हैं, नाना, नैनी, नीनी, नोनू। 5वें बच्चे का क्या नाम है? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जवाब है चिंकी। चिंकी के पिता के 5 बच्चे हैं। दोस्तों पहली को ध्यान से सुनिए। चिंकी के पिता के 5 बच्चे हैं, मतलब चिंकी ही 5वीं बच्ची है। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, आप हर एक पहेली और हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुना कीजिए। कई बार उस बात में ही पहेली का उत्तर या फिर सवाल का जवाब। अगर एक मुर्गा सुबह अंडा देता है तो उसके मालिक को वह अंडा कब मिलेगा? सोचिए और मैं जवाब नीचे कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि मुर्गा अंडा नहीं देता, अंडा मुर्गी देती है। अगर आपने इस पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब है आप उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं। आपको हर पहेली को या हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।